एक प्रश्न आया है, बड़ा जिज्ञासा भरा प्रश्न है। पूछा है कि जो बौद्ध के यानी बोध के भगवान बुद्ध के जो वचन है, वाणी है, या जो उन्होंने कहा है, और जो अभी हमें किताबों में, पुस्तकों में, या वीडियो के माध्यम से, या रेडियो के माध्यम से, या अखबार के माध्यम से दुनिया भर में फैला हुआ है और हमें मिलता है, ये सुरक्षित कैसे रहा और ये हम तक कैसे पहुंचा? ये जिज्ञासा भरा जो प्रश्न है, इसका जवाब मैंने बहुत पहले भी एक बार दिया है। अगर आपने रखा सूत दिव्यसंग वाला वीडियो देखा हो, हुआ यूं कि भगवान बुद्ध ने 45 साल तक, ज्ञान प्राप्त करने के 45 साल बाद तक, भारत में जगह जगह घूमकर, जगह जगह स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाकर, जिनको विहार बोला करते थे उस समय, फ्री एजुकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया। जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज उन्होंने खुद गेन की और खुद अपने अनुभव से प्राप्त की, अपने एक्सपीरियंस से और अपने मेहनत से प्राप्त की, वो उन्होंने मुक्त हाथों से फ्री सबको बांटी और एक शिक्षा का बहुत अच्छा तंत्र उन्होंने विकसित किया। उस समय तक भाषा जो थी वो पाली थी, पाली यानी प्राकृतिक, जो हम आज के समय में जिसको हम हिंदी से बोलते हैं, यानी जिसको हम हिंदी कहते हैं। ये जो भाषा है उस समय तक शब्दों में यानी अक्षरों में नहीं आई थी, सिर्फ बोलने में थी। एक दूसरे को बोल के और सुन के हम बात कर सकते थे और समझ सकते थे। इसकी कोई लिपि या स्क्रिप्ट कोई तैयार नहीं थी, जैसे आज की डेट में ABCD है, या अलिफ बे पे ते है, या उड़ा एडी एड़ा है, या कै खे गे है। ये उस समय के अक्षर नहीं बन पाए थे, अक्षर नहीं बन पाए, लैंग्वेज नहीं, स्क्रिप्ट नहीं बन पाई, तो इसको प्रिंट करना या लिखना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो इसको याद करने के गणक हुआ करते थे। गणक जो थे वो ऐसे लोग हुआ करते थे जिनका ये काम था कि जो उनको बता दिया, जैसा उनको बता दिया, या जैसा उनको, जैसा उन्होंने सुन लिया, वो वैसा का वैसा ही याद रखते थे और उसको बिल्कुल उसी भाषा में कौमा बिंदी के साथ में रुक कर, यानी जहां उसका जितना एम्फेसिस, जितना जोर डालना शब्द पे, जहां रुकना है, उसी के स्टाइल में वो उसको बताते थे। गणक का ये व्यापार होता था और गणक इसी काम के लिए अपनी आमदनी के ऊपर निर्भर थे और उनको पैसा मिलता था, रोजी रोटी उनकी यही थी। गणकों से, यानी जितने गणक थे, उनसे ये एजुकेशन ट्रांसफर होती रहती थी और जिनको चाहिए थी वो लेते रहते थे और इसकी प्रैक्टिस करते रहते थे और इसको मॉडिफाइड करते रहते थे, यानी इसको आगे बढ़ाते रहते थे और काम चलता रहता था। भगवान बुद्ध ने जब अपना डिक्लेयर किया, घोषणा की कि अब वो 3 महीने बाद अपना शरीर छोड़ देंगे, तो वैशाख पूर्णिमा को उन्होंने अपना शरीर छोड़ने की बात कही। वैशाख पूर्णिमा को उन्होंने निब्बान को, या महापरिनिब्बान को प्राप्त कर लिया। उनके महापरिनिब्बान प्राप्त करने के लगभग 7 दिन बाद, क्योंकि घटना घटी, जो सुबद्ध नाम के एक लास्ट भिक्खु थे जो बने थे, वो बड़े उछले लगे, उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि गौतम बुद्ध चले गए, अब वो हमें रोकेंगे टोकेंगे नहीं, हमारा टीचर चला गया, बहुत रोकते टोकते थे, अब हमारा जो मन में आएगा वो करेंगे, क्योंकि बुद्ध के जो विनय के नियम है वो थोड़े से मुश्किल होते हैं साधारण आदमी के लिए, और भिक्खु भी कई बार उसमें परेशानी महसूस करते हैं। तब जो उस समय के जो अच्छे टीचर थे, जिनका नाम महाकश्यप या महाकाश्यप, जो कश्यप आज के लोग हैं, या कश्यप आपने देखा होगा, शे तो वर्ड पाली में होता नहीं, तो कश्यप बोलते हैं इसको, महाकश्यप या महाकाश्यप। तो महाकश्यप या महाकाश्यप जो उस समय बहुत बड़े भिक्खु थे और बहुत पारंगत थे, उन्होंने ये निर्णय लिया उनके निब्बान के एक हफ्ते बाद कि हम एक संगीति करेंगे। संगीति का मतलब है संग गायन करेंगे और इसको हम गंठ में बांधेंगे, यानी गांठ में बांधेंगे जितना भी 45 साल तक उन्होंने पढ़ाया है, लिखाया है, बताया है। तो गंठ में बांधा था, यानी गांठ बांधनी थी उन सूतों की। तो सूतों की गांठ बांधने का ये तय हुआ कि 500 जो भिक्खु अरंत हैं, यानी जो जीवन में सबसे ज्यादा सुख में प्राप्त अवस्था में आ चुके हैं, निर्वाण प्राप्त अवस्था में आ चुके हैं, निर्वाण को, अर्हत को प्राप्त आ चुके हैं, उन भिक्खुओं को इकट्ठा करके और सारी चीजों का मेमोराइज किया जाएगा, याद किया जाएगा, और उनको गणकों को बता के, और खुद भी वो गणक का काम करते थे भिक्खु सारे, उसको एक गंठ में, एक लाइन में, एक सूत्र में बांधा जाएगा। ऐसा करके उन्होंने डिसाइड किया और ये तय हुआ कि इसको
भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 4 महीने बाद करेंगे। यानी 4 महीने का मतलब हो गया कि सावनी पूर्णिमा को, सावन पूर्णिमा को। तो सावन पूर्णिमा का दिन तय हुआ, मगर एक दिक्कत ये आई कि आनंद को धम्म के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी। आनंद को धम्म के बारे में जानकारी इसलिए थी क्योंकि आनंद ने प्राइवेट सेक्रेटरी यानी उपस्थानक होने के लिए एक शर्त रखी थी भगवान बुद्ध के आगे कि आप जहां भी जाएंगे और जो भी पढ़ाएंगे वो मुझे वैसा का वैसा आके वस्तु स्थिति और काल के साथ में मुझे बताएंगे कि आपने वहां क्या पढ़ाया और वहां क्या घटना घटी। और आनंद बहुत अच्छे गणक थे, यानी बहुत अच्छे मेमोरी के मेमोराइजर थे, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। इसलिए बिना आनंद के संगति में यानी धम्म सभा में जो धम्म संसद होने वाली थी, धर्म संसद होने वाली थी, उसमें बिना आनंद के मुश्किल आने वाली थी। मगर आनंद की जो अर्हत होने की अवस्था थी वो आई नहीं। तो आनंद को समय दिया गया कि आप सावनी पूर्णिमा तक अर्हत हो जाइए, फिर आप आ जाइए। आनंद को थोड़ी मुश्किल आई मगर वो अर्हत हो गए। लगभग 500 अर्हत भिक्खु वहां इकट्ठे हुए। इसको पंच शतिका तक बोलते हैं। पंच शतिका का मतलब है 500 पाली भाषा के अंदर। और ये जो धम्म संगति यानी जो संघायन हुई, संघायन का मतलब है संघ गायन, या धम्म संगति का मतलब है धम्म की संघ गीत, धम्म के साथ साथ गीत गाना या उनको मेमोराइज करना या उनकी चांटिंग करना, ये वहां पे शुरू हुआ। और अजातशत्रु जो मगध के राजा थे उन्होंने इसकी सारी व्यवस्था की, बहुत बड़े मंडप बनवाए। और ये जो मंडप बने ये सत्पर्णी गुफा जो राजगृह में आज भी है, राजगृह या राजगीर में आज भी है, ये सत्पर्णी गुफा में बने। और वहां 7 महीने तक लगातार सारे भिक्खु वहीं रहे, वहीं खाना पीना उठना, और उन्होंने सारी बातें की। और जितनी बातें वहां हुई उसको एक भिक्खु ने बोला और बाकी भिक्खु ने उसको बताया कि ये बात ठीक है या गलत है या इसमें कुछ मॉडिफाई होना है। तो धम्म संबंधित जितनी भी बातें थी वो आनंद थेर से पूछी गई। आनंद थेर यानी कि आनंद जो महाथेर हो गए थे, अर्थ हो गए थे, उनसे पूछा गया कि आप धम्म की सारी बातें बताएं। उन्होंने धम्म की सारी बातें बताई और सभी ने उनका अनुमोदन किया, सभी ने उनकी अनुसरण किया, अनुस्तुति की, यानी बताया कि हाँ ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ऐसा ही घटित हुआ था। क्योंकि सभी भिक्खुओं साथ साथ थे, अलग अलग घटनाएं घटी थी, आनंद जो बता रहे थे आनंद को सब पता था, इसलिए अनुमोदन भी साथ साथ होता रहा कि ये बात ठीक है या नहीं है। उसके बाद विनय का नंबर आया। विनय का मतलब था कि जो टीचर होते थे, जो भिक्खु होते थे या भिक्खुणी होती थी, उनके लिए जो नियम बनाए, उस नियम में जो सबसे ज्यादा उस्ताद माने जाते थे, मास्टर माने जाते थे, जो टीचर सबसे बड़े थे, वो थे उपाली। उपाली से कहा कि आप बताइए। उपाली ने विनय के नियम बताए और विनय में वो विनयधर थे। विनयधर का मतलब है कि विनय के नियमों को सबसे ज्यादा जानने वाले और मानने वाले और प्रैक्टिस करने वाले। सभी भिक्खुओं ने उसका अनुमोदन किया और कहा कि ये बात ठीक है, यही भगवान बुद्ध ने बताई है और यही बात ऐसे होनी। इन सारी बातों को इकट्ठा करने में, इनमें गंठ बांधने में, यानी इनमें गांठ बांधने में, गंठ बाद में पाली का शब्द गांठ बना, गंठ बांधने में लगभग 7 महीने लगे। तो सूतों का जो गंठ का बंधन हुआ, यानी कि जो गांठ बांधने का बंधन हुआ, जो सूतों की रक्षा हुई, सूत बोलते हैं जितनी बातें 45 साल में भगवान बुद्ध ने बताई उनको सूत बोलते हैं। तो सूतों की रक्षा हुई यानी कि उनकी रक्षा हुई, उनमें गंठ बांधी गई यानी गांठ बांधी गई। और उस दिन एक दिवस था, तो सावनी पूर्णिमा के दिन को रक्षा बंधन दिवसो या रक्षा बंधन दिवसन या रक्षा बंध दिवसन बोलते हैं, यानी जो रक्षा बंधन बाद में बना, क्योंकि रक्षा जो हुई है वो सूतों की हुई है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और 7 महीने इसमें लगे, तो 7 महीने के बाद जो दिन आया वो आता है होली की पूर्णमासी, यानी कि जितनी पूर्णमासी है फागुनी पूर्णमासी 7 महीने बाद आती है। तो 7 महीने बाद में जो होली मनाई जाती है, जिसको होला बोलते हैं, होला जो चने का पेड़ होता है जिसको खाते हैं, भून के फसल आती है, वहां आपने देखा होगा कि जब आग जलाते हैं तो उसमें वो एक धम्म चक्र टाइप का गोबर का बनाते हैं और उसमें अंदर 10 लड़ियां लगाते हैं गोबर की, 5 धर से 5 धर से। तो 10 का मतलब है 10 पारमिता और धम्म चक्र का मतलब है कि धम्म कंप्लीट हो गया। और उसको वो एक माला में बांधते हैं, यानी कि सूतों का रखा का गंठ लग गई, गांठ बन गई, वो बंध गए, यानी कि वो किताब के रूप में आ गए। वहां से वो सुरक्षित हुआ और फिर वो गणकों के द्वारा और भिक्खुओं के द्वारा याद किया जाने लगा। भारत में आने के बाद जब अशोक का राजा आया, अशोक ने इसको पत्थरों पे लिखवाया। तब तक लिपि आ गई थी, पहली लिपि भारत में बनी जिसको अशोक लिपि बोलते हैं। अशोक ने सारे सूत्रों को पत्थरों पे लिखवा के, लगभग बताते हैं कि 84,000 पत्थरों पर लिखवाया पूरा, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा था उस समय। अशोक सबसे कामयाब राजा रहे हैं, सबसे अच्छे राजा रहे हैं। अशोक
पूरे भारत के सबसे काबिल राजा रहे, उसके बाद में सारे राजा जितने भी आए वो नाकाबिल रहे, क्योंकि अशोक ने ईरान तक राज बढ़ाया, इधर बर्मा तक बढ़ाया और पूरे भारत में शांति रखी और भारत के लोग बड़े सुखी थे और सभी भारत के लोग पढ़े लिखे थे। 84,000 स्तूप चैत्य और पत्थर की किताबें उन्होंने बनवाई, जिनको पत्थर का शिलालेख बोलते हैं, शिला माने पत्थर होता है। इन पत्थर की किताबों पे सारा का सारा उन्होंने लिखवाया अशोक लिपि में, जो बाद में पढ़ी गई, और अशोक लिपि में सारा का सारा धर्म उन्होंने लिखवा के सुरक्षित किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने पुत्र को और अपनी पुत्री को श्रीलंका में जो राजा थे उस समय उनके पास भेजा सारा सारा त्रिपिटक लेके। त्रिपिटक बोलते हैं बाद में जो तीन पेटियां होती हैं, क्योंकि उस समय तक अभिधम्म पिटक नहीं था, उस समय तक दो पिटक थे, एक सुत्त पिटक था और एक विनय पिटक, यानी जितना धम्म बताया है वो सुत्त पिटक और विनय पिटक के नाम से था। बाद में कुछ उसमें से खास जो मन का और शरीर का अलग संबंध था उसको निकाला गया, उसको अभिधम्म पिटक बोला गया, तो तीन पिटक हो गए। अशोक ने श्रीलंका भेजा और एक बोधि वृक्ष का पेड़ भी भेजा, जहां वो अनुराधपुर के अंदर आज भी लगा हुआ है, हजारों लोग उसको देखना चाहते हैं, और वहां ये सिंगली भाषा में कन्वर्ट हुआ। वहां से फिर ये बर्मा, म्यांमार, लाओस होता हुआ आगे चला गया। इधर अशोक ने कुछ बौद्ध भिक्षुओं को ऊपर पहाड़ों पर भेजा, जो पार करते करते चीन चले गए और चीन से होते होते मंगोल से होते होते ये जापान तक आगे ये लाइन चली गई। ऐसे करके धम्म को चारों तरफ सुरक्षित रखा गया। बाद में जो प्रथम संगति, संगति का मतलब है कि जब असेंबली धम्म की होती है एक साथ, जो भगवान बुद्ध के मरने के 4 महीने बाद लगभग हुई थी राजगीर में, उसके बाद में श्रीलंका में भी हुई, वर्मा में भी हुई, तो ये जगह जगह इसको चेक किया जाता है कि सारी भाषाओं में जो उस समय संग्रहण हुआ, याद किया गया और लिखा गया, क्या वो सेम है या नहीं है। ऐसी एक संगति वर्मा के अंदर हुई जहां ये चेक किया गया कि सारी भाषाओं में जो लिखा गया है वो सेम है, कहीं कोई उसमें अंतर नहीं है, कोई अगर त्रुटि होगी तो वो सिर्फ टाइपिस्ट की हो सकती है। तो ये धम्म बिल्कुल ऑथेंटिक है, मगर इसके ऑथेंटिक होने का सूत्र है वो भगवान बुद्ध ने खुद दिया हुआ है। उन्होंने कहा हुआ है कि जो ये मैंने बताया है उसको आप चेक करते रहें, क्योंकि ये सारा का सारा रूप और नाम के ऊपर आधारित है। रूप और नाम के ऊपर आधारित होने की वजह से इसको कभी भी चेक किया जा सकता है। रूप बोलते हैं शरीर को यानी हार्डवेयर को, और नाम बोलते हैं जो इसको चलाता है, जो इसका मन है जिससे शरीर चलता है। ये सारे जानवरों में होता है, मनुष्य के अंदर ये सबसे ज्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर होता है। इसलिए आज भी जो लोग विपसना करते हैं और जो लोग धम्म की प्रैक्टिस करते हैं, वो देखते हैं और चेक करते हैं कि बुद्ध ने जो अनुभव किया और जो पाया वो सारा का सारा सेम है। एक खास बात यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बुद्ध ने 45 साल तक जितना भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन दी वो उनकी अपनी थी, उन्होंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया, वो उनकी अपनी थी, मौलिक थी और अनुभव के आधार पर थी। पहले वो प्रैक्टिस करते थे, पहले वो सीखते थे, उसके बाद में बताते थे। और बुद्ध के जीते जी एक शब्द भी कहीं लिखा नहीं गया, ना ही कहीं गणक ने इनको याद किया। बुद्ध के मरने के बाद ये चीजें बनी है और लिपि अशोक के समय बनी है, इसलिए ये ऑथेंटिक है। और आइंस्टीन जैसे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी इसको स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद जब उन्होंने अपने शरीर पर इसको अनुभव किया तो उन्होंने कहा कि बुद्ध की बताई हुई सारी बातें जो मनुष्य के लिए हैं वो सारी साइंटिफिक हैं, कैसे काम करती हैं ये बिल्कुल सच है, एक एक सब सच है। जो लोग विपसना करते हैं वो भी जानते हैं, आप विपसना करके आ सकते हैं। विपसना पूरे भारत में 200 सेंटर्स में फ्री होती है, ओरिजिनल है, जाइए। जो एस एन गोयनका जी गुरु जी हैं वो कराते हैं। आपको इस बात की जानकारी अनुभव खुद होगा कि बुद्ध ने जो लिखा है वो किताब के अंदर बिल्कुल सही है, और अगर वो गलत है तो आपको उसका आभास हो जाएगा कि यहाँ किसी ने उसको मिक्सिंग किया हुआ है, उसको मिलाया हुआ है, ये हिस्सा बुद्ध की बात का नहीं है। इतनी जानकारी आपको आ जाती है जो बुद्ध ने बताया है। और इसी से संबंधित दो जो फेस्टिवल हैं, जो दो त्योहार हैं, वो भारत में बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। एक जिसको रक्षा सूत्र दिवस बोलते हैं, यानी कि बाद में रक्षा बंधन करके बोला गया, जो सावनी पूर्णिमा को आता है, और एक आता है फाग्नी पूर्णिमा को, जो होली के नाम से आता है, जिस दिन ये 7 महीने बाद पूरा हो गया। इस प्रकार ये सारा सारा त्रिपिटक आज तक सुरक्षित है और ये बढ़ रहा है। बाद में लोगों ने इसमें बहुत सारी चीजें और भी लिखी हैं, मगर ये ओरिजिनल शेप में जितना भी है समझ में आ जाता है। धन्यवाद।